अस्सलाम व्यूअर्स, आज समीनास डेली रूटीन में मैं आलू के पराठे बनाऊंगी। ये वो चीज़ें हैं जो हमें इसमें चाहिए होंगी। आलू मैंने उबाल के और इनको छील लिया है। इनको अब मैं कद्दूकश करूंगी। और इधर हमारा ये मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। कुटी हुई लाल मिर्च है हमारे पास, हल्दी है थोड़ी सी, दो चुटकी या 1/4, एक चाय का चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई है, अजवाइन है 1/2 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया है 1 टेबल स्पून, और दरदरा ये भी कुटा हुआ है लेकिन दरदरा सा मोटा सा धनिया पिसा हुआ है ये 1/2 टेबल स्पून है, एक चाय का चम्मच ज़ीरा साबित है और 1/2 चाय का चम्मच ज़ीरा पिसा हुआ है। ये वो मसाले हैं जो मैं ये इसमें डालूंगी। और ये हरे मसाले हैं, ये इनमें मैंने ये 3 अदद प्याज लिया है जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया है, ये हरा धनिया 1 बंच पूरा, एक ये मैंने पुदीना है, ये पुदीना ये दिया हुआ है, हरी मिर्चें हैं 4-5 हरी मिर्चें हैं, और ये जो है गुले रेहान भी कहते हैं इसे और तुलसी भी कहते हैं, ये भी मैं इस्तेमाल करूंगी इसके बीजे और फूलों के समेत। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। और नमक मैं अपने टेस्ट के हिसाब से या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मुझे यकीन है जिस तरह मैं बना रही हूँ आपको ये पसंद आएगी रेसिपी। चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और मैं ये सारी चीज़ें भी चॉप कर लूँ और आलू कद्दूकश कर लूँ। लेकिन नाज़रीन, ये मैंने हरा धनिया, पुदीना और लाल मिर्च चॉप कर लिए। ये बताया था मैंने कद्दूकश करके इसका पानी निकाल लिया है। और ये आलू भी हमने कद्दूकश किए हैं नाज़रीन। और आपको ये बताना भूल गई थी कि नींबू भी रखे हैं, अगर तो आपको खट्टा पसंद है तो डालें, ये हमारे यहाँ पसंद है घर में, तो इसलिए मैंने इसके अंदर नींबू का रस डालूंगी, नहीं तो इसकी जगह अनारदाना भी डाला जा सकता है। ये मैं डालूंगी अपने टेस्ट के हिसाब से नमक। और ये हमारे वो मसाले हैं जो हमने इसमें डालने थे, ज़ीरा साबित, पिसा हुआ साबित ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, अजवाइन, कुटा हुआ धनिया जो दरदरा सा है ज़रा, और एक थोड़ा बारीक धनिया है जो बिल्कुल पिसा हुआ भी नहीं है और थोड़ा सा मोटा है इससे के मुकाबले में। हम ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के इसको मिक्स करते हैं अच्छा सा, नींबू भी निचोड़ लूँ इसके अंदर। बच्चों को अनारदाना इसलिए पसंद नहीं है कि वो आता है मुंह में, इसलिए उसकी जगह मैं ये नींबू इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मिक्स करते हैं अच्छे से। असल में तो ये हाथ से बहुत अच्छा सा मिक्स होगा, लेकिन पहले थोड़ा सा इसी तरह मिक्स कर लें, फिर ये हाथ में चिपकता बहुत ज़्यादा है। अच्छा सा इसका मैं मिक्सचर कर बना लूँ। यकीन है नाज़रीन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। आप इसको एक दफ़ा मेरी तरह जिस तरह मैं बना रही हूँ ऐसे बनाएं। इसमें अक्सर लोग कहते हैं कि ये इस्तेमाल करने से, प्याज इस्तेमाल करने से सीने में जलन हो जाती है, इसीलिए हमने पुदीना इस्तेमाल किया है और प्याज का पानी निकाल दिया है इसमें से, और पुदीना भी इस्तेमाल किया है और गुले रेहान तुलसी को भी इस्तेमाल किया है। ये सारी चीज़ें भी जो है हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती हैं।
हमारे मिक्सचर रेडी हो गया है, अभी हम इसके पराठे बनाने शुरू करते हैं। लेकिन नाज़रीन ये मिक्सचर मैंने बना लिया है और ये पेड़े भी बना लिए हैं छोटे साइज़ के, इनके दरमियान दो पेड़ों के दरमियान मैं मिक्सचर बना के पराठा बनाऊंगी। ये नॉर्मल आटा है चक्की का और मैदा नहीं है और ना ही सिर्फ नमक मैंने इसमें डाला है और कोई चीज़ नहीं डाली है। चलिए हम बनाते हैं पराठे। हमने ज़्यादा सा मिक्सचर ला इसके अंदर डालना है। जितना पतला आपको पसंद है उतना ही आप इसको पतला करें। कुछ लोगों को पराठे थोड़े मोटे पसंद होते हैं। ये मैंने और हल्की आंच पे इसको हम भूने पकाएंगे ताकि ये अच्छा सा गोल्डन हो जाए। थोड़ा सा मैंने तेल डाला हुआ था पहले। देखिए ये एक साइड से हो गया है, ये मैंने इसको पलट दिया, बिल्कुल हल्की आंच पे मैं इसको पका रही हूँ। ये मैं दूसरा रेडी कर रही हूँ। ये बन गया, मैं इसको देखिए कितना गोल्डन ब्राउन हुआ है। ये इसीलिए कि हमने आँच हल्की रखी थी, कभी तेज़ कभी हल्की, ताकि हमारा पराठा जले ना। अब ये हमारा ये तैयार हो गया, मैं इसको उतारती हूँ। ऐसा जो हमने डाला है वो सारी तरफ लग जाए। इसी तरह मैं सारे पराठे तैयार कर लूँगी। यकीन है नाज़रीन आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी, पराठे पसंद आए होंगे, आप ज़रूर ट्राई किएगा। नाज़रीन मेरी रेसिपी तैयार है, आलू के भरे पराठे रायते के साथ, चटनी के साथ, केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ, जिस तरह आपको पसंद हो आप खाएं। लेकिन इसको ट्राई ज़रूर करें, मुझे यकीन है आपको ये बहुत पसंद आएंगे जिस तरह मैंने बनाए हैं। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल जाए। शुक्रिया।